हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, जनरल जनरल जानना है तो जनरल जनरल जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने के लिए आप पहले समझो कि दो तरह के लॉज होते हैं वर्ल्ड में, एक होते हैं सिविल लॉज और एक होते हैं क्रिमिनल लॉज। इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए सेम है, कोई सी भी आपकी जाति हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, सेक्स हो, जेंडर, मतलब जो भी हो, आपके लिए क्रिमिनल लॉ सेम है। लेकिन सिविल लॉ में कुछ लॉज आपके लिए सेम है, कुछ लॉज आपके लिए सेम नहीं है। ये हुआ था सेकंड लॉ कमीशन रिपोर्ट में डिसाइड, मतलब बताया गया था सेकंड लॉ कमीशन रिपोर्ट में, सजेशन दिया गया था 1835 में, ब्रिटिश रूल के अंडर थे जब इंडिया, कि यूनिफॉर्म लॉज बना दो क्राइम से रिलेटेड लॉज के, एविडेंस से रिलेटेड लॉ के और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज के, लेकिन जो पर्सनल लॉ है ना उनको इससे दूर रखो, पर्सनल लॉ सबके पर्सनली रहने दो। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये तीनों एस्पेक्ट्स में किसी को कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं यूनिफॉर्म लॉज में, लेकिन पर्सनल लॉ क्या काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखते हैं लोगों के लिए, क्योंकि रिलीजन से डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं पर्सनल लॉज, तो उसमें ऐसा कुछ खास चेंज करने को अलाउ नहीं किया गया और वही ट्रेंड अभी तक चल रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ऐसा आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि एक सिंगल कोड बनाएंगे, वो सिंगल कोड सबके लिए होगा। जैसे अभी हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, पारसी लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, ठीक है, ये सारे लॉज अलग अलग हैं। इन सब में डिवोर्स के और बाकी सारे जो इनके पार्टीशन के, सक्सेशन के, इनहेरिटेंस के, मैरिज के, इनके सब के लॉज अलग हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन सब के लिए सेम लॉ होगा। इन सबकी शादी के लिए सेम लॉ होगा, इन सबके डिवोर्स के लिए सेम लॉ होगा, पार्टीशन सक्सेशन हर चीज़ के लिए सेम लॉ होगा। बिल काफ़ी बार इंट्रोड्यूस हो चुका है पार्लियामेंट में एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन अपोजिशन हमेशा उसको ब्लॉक करवा देती है चेयरमैन से रिक्वेस्ट करके, तो ये कभी सरफेस नहीं हो पाया, ये मतलब ये बस बातों बातों में ही रह गया। शाहबानो एक केस था, शाहबानो केस में क्योंकि वुमेन को मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस नहीं मिलता था तो वो काफ़ी गलत बात थी, तो शाहबानो केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी एक बार। शाहबानो केस के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे बस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि यूसीसी की बात उठी थी शाहबानो केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को ग्रांट कर दिया था एक मुस्लिम वुमेन को और उनके पर्सनल लॉ में था नहीं, तो काफ़ी हाई हल्ला हो गया। अब अपना आर्टिकल 44 डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी बोल रही है तो क्यों नहीं कर दिया अभी तक? इसलिए नहीं करा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट भी फ्रीडम दे रहा है प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की, और पर्सनल लॉ डायरेक्ट डायरेक्ट रिलीजन से वास्ता रखते हैं, तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गई दोनों चीज़ें। अब क्या कौन सी बात माने, डीपीएसपी माने कि फंडामेंटल राइट माने, तो और फंडामेंटल वाली राइट वाली सिचुएशन चल ही रही है बहुत टाइम से, तो उसको चेंज कौन करेगा, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चेंज तो अभी तक नहीं हुआ, बस इसकी बात ही चलती रहती है कि यूसीसी आएगा, यूसीसी आएगा, कब आएगा अपने को नहीं पता। अब अगर यूसीसी आया तो वो अच्छी बात भी होगी और बुरी बात भी होगी। अच्छी बात क्यों होगी, क्योंकि इंडिया ट्रूली सेक्युलर बन जाएगा। सेक्युलर कंट्री कौन सी होती है जो अपने सिटीजन्स में डिफरेंशिएट नहीं करती ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस वगैरह, लेकिन इंडिया में तो डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक मुस्लिम के लिए अलग लॉज हैं, एक हिंदू के लिए अलग लॉज हैं, एक क्रिश्चियन के लिए अलग लॉज हैं, तो ट्रूली इंडिया सेक्युलर अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली सेक्युलरिज्म का बहाना दिया जाता है यूसीसी नहीं लाने के लिए, लेकिन एक्चुअली सेक्युलर इंडिया यूसीसी आने के बाद ही होगा मेरे ओपिनियन में, और सेक्युलर होने के बाद ही सारे इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये दूसरा रीज़न, वुमेन एम्पावरमेंट होगा क्योंकि काफ़ी पर्सनल लॉज में वुमेन्स को सही राइट्स नहीं हैं, ठीक है, हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में, और मुस्लिम्स में पॉलीगैमी अलाउड है, ठीक है, हिंदुज़म में भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट भी करेंगी। अगर यूसीसी आ जाएगा तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी क्योंकि सबके लिए सेम लॉ हो जाएगा। एक और बात कि हर पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्लिम लॉ को अलग से रिफॉर्म करो, हिंदू लॉ को अलग से रिफॉर्म करो, पारसी लॉ को अलग से रिफॉर्म करो, इससे बढ़िया एक यूसीसी ले आओ रिफॉर्म करा हुआ, तो अलग अलग पर्सनल लॉ रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हेडेक मिटेगा। और एक मॉडर्निटी की तरफ स्टेप होगा क्योंकि हम यूसीसी ले आए तो एक सिग्नल होगा कि हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता है, धर्म वर्म हम इतना मानते नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा मॉडर्न मानता हूँ। ये आपका ओपिनियन हो सकता है कि आप नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो मानता हूँ। अब यूसीसी बैड क्यों होगा, बैड मतलब हार्ड क्यों होगा, लाना हार्ड क्यों होगा ये भी बोल सकते हो, या गलत क्यों होगा लाना ये भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है रिलीजन में, ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती। तो अभी तक जो रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही है पर्सनल लॉ के अंडर में, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उनको चेंज कर रही है, तो ये सही बात नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन देता है, तो आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हो, वो गलत बात है। पीपल आर वेरी सेंटिमेंटल अबाउट दिस इशू, सबको अपना रिलीजन बहुत प्यारा है, तो आप इसमें छेड़छाड़ करोगे तो दंगे वंगे हो सकते हैं, बहुत माथाफोड़ी हो सकती है। और इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इंडिया में सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं, काफ़ी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके यूसेजेस हैं, कैसे करोगे आप। इंडिया में 500 तरह के लॉज हैं, कस्टम्स हैं, यूसेज हैं, सबके अलग अलग हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसा यूसीसी कैसे बनाओगे जो इन सब को केटर कर लेगा, तो ये एक बहुत हार्ड काम है। तो ये सारे रीज़न हुए कि क्यों यूसीसी नहीं आएगा, पॉसिबली शायद नहीं आए, कभी भी नहीं आ पाए, जितनी अपनी डाइवर्सिटी और जितना ज़्यादा लफड़ा है इस मामले में, मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही आ पाएगा फ्यूचर में। तो गाइस ये हो गया यूसीसी का एक शॉर्ट इंट्रो, अब इसके बाद चालू करेंगे जो टॉपिक्स, वो बहुत हार्ड है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो नहीं करा तो। इसके बाद हम चालू करेंगे इनहेरिटेंस, सक्सेशन वगैरह वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हैं, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। और यहाँ पे फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट आएगी, देख लेना बाकी वीडियोज़। बाय बाय।